द्वार से गंगा जल लेकर आ रहे ज्यादातर कांवड़िए अपने अपने शहरों और गांव में पहुंच चुके हैं। शनिवार को ये जलाभिषेक कर महादेव को प्रसन्न करेंगे। अब भी कांवड़िए आ रहे हैं जिन्होंने आसपास जलाभिषेक करना शुरू किया है। इस बार भी कांवड़ियों में उत्साह उमंग देखने को मिली। सेवा शिविर लगाए गए, सेवा में कोई कसर नहीं दिखाई दी। जो कांवड़ होती है एक स्वच्छता का प्रतीक होती है। कांवड़ के काफ़ी नियम होते हैं, बिना नहाए आदमी कांवड़ नहीं उठा सकता। आदमी कुछ भी खाएगा, टॉयलेट जाएगा तो नहाना पड़ता है। लेकिन आजकल क्या कुछ हमारी युवा पीढ़ी जो डाक कांवड़ है देखने में आता है कि नशा करते हैं, जबकि भोलेनाथ ने कभी नशा नहीं किया। जो कांवड़ होती है